गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 फरवरी 2023। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स कल हल्का सा स्ट्रांग हुआ है, बट इट्स अ डोजी कैंडल, मीन सम सॉर्ट ऑफ इनडिसीशंस। सो हमें इंतजार है और थोड़ा प्राइस एक्शंस का। एंड ऊपर में इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो है 105.30 से 135.70 के बीच में। सो क्या ये उस लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेता है या करंट लेवल से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, हमें इंतजार रहेगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी पे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। हाई 82.85, लो 82.56। हाँ, यहाँ पे आपका जो डॉलर एनालिसिस है हमारा इंडियन मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज हमारा इंडियन मार्केट 3:30 को क्लोज हो जाता है मेजर एक्टिविटीज, और ये ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस है, थोड़ा सा हटके स्लाइट डिफरेंस विल बी देयर। सो यहाँ पे एक वीकनेस देखा गया। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि आने वाले दिनों में डॉलर रुपये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मैं मूव टुवर्ड्स 82.30, 82.40। अभी जीबीपी डॉलर में कल वीकनेस देखा गया एंड ई ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2075 एंड 1.1991। अभी है 1.2084। बेसिकली ये जो एरिया है डेट इज 119.50 से 1.2050, 1.1950 से 1.2050, इट्स ए एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। इसको अगर नीचे आना है तो इस एरिया को 17th फरवरी के लो को नीचे की तरफ स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जीबीपी आईएनएफ यहाँ पर भी हल्का सा वीकनेस देखा गया। इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है डेट इज योर 98.65 के आसपास। अगर इसको नीचे जाना है तो इस एरिया को स्पेशली द 17 फरवरी के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देना पड़ेगा। यूरो डॉलर यहाँ पे आपका एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है कल and it traded in between 1.0627 and 1.0577. कल का जो क्लोज था ये 17 फरवरी के लो के नीचे क्लोज किया एंड कल कंटिन्यू देखा गया, लेकिन कल का जो कैंडल है इट्स ए पॉज कैंडल, सो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और वी मे लुक फॉर सेल अपटिक्स। यूरो आयनर यहाँ पर भी एक सेल ऑफ देखा गया कल एंड यहाँ पे जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन था सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट उसके नीचे क्लोज दिया है। डेट बीइंग द केस, आज का जो प्राइस एक्शन है ये कल के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। इन सच ए केस आने वाले हफ्तों में एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन आपका कल एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ट्रेडेड इन बिटवीन 135.36 एंड 134.48। सो यहाँ पे पिछले दो दिनों से स्मॉल बॉडी कैंडल्स फॉर्म हुआ है। इसको अगर नीचे आना है इन सच ए केस इट हैज टू क्लोज बिलो 134, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम शार्प सेल ऑफ। येन आईएनआर आपका कल एक मीन्स लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ पिन बर। डेट बीइंग द केस, अगर आने वाले दिनों में अगर 0.6170 के ऊपर क्लोज देता है, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज देता है, देन वी मे एक्सपेक्ट सम अपटिक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। डॉलर कैंडी आपका ऑल्दो इट क्लोज्ड अबव 1.3525, लेकिन पिछले तीन दिनों में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीन्स एक्टिविटी बायर्स का एक्टिविटी देखा नहीं गया है एंड देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये फॉल्स ब्रेकआउट ना बन जाए। व्हाट आई वांट टू मीन, ये ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, दोबारा रेंज के अंदर में आ जाएगा। कौन सा रेंज? ऑन द हायर साइड 135.25 एंड ऑन द लोअर साइड 1.3250, 1.3270, इसके अंदर में ना आ जाए। Once again it is coming back inside the range, then it will the
previous 2 days price action will be considered as a false breakout on the higher side. Aussie dollar aapka kal ek doji candle formation hua hai, it traded in between 0.6841 and 1.6781, so yahan pe thoda sa alert hai. And also RSI terms mein it is trying to take support at 60, kya ye trying to take support at 40, kya ye 40 pe support leke upar jata hai ye hame dekhna padega. Dollar CNH स्ट्रेंथ बरकरार है 6.92, ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 6.93, उसके आसपास उसके पास पहुंचा हुआ है. इसके यहाँ पे पहुंचने के बाद प्राइस का स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के साथ ऊपर ब्रेकआउट करता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल के वापस नीचे की तरफ आता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. यूके ऑयल कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया. द मेन रीजन इज यूके रशिया एक्सपोर्ट कट का कुछ न्यूज है, तो बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया. बट प्राइसेस इन अ रेंज विद इन 79 ऑन द लोअर साइड एंड 89 ऑन द हायर साइड. जब तक इसी रेंज में रहेगा साइडवाइज वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगा. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.873, कल अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया. एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था ये रेड लाइन वाला रेजिस्टेंस 3.9192 का, उसके नीचे आ चुका है. दैट बीइंग द केस ये और थोड़ा सॉफ्ट होने का प्रयास करेगा. ओनली कंसर्न इज डेली आरएसआई अभी अबोव 60 में, इसको नीचे आने के लिए 60 के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देना पड़ेगा. इन सच ए केस हमें थोड़ा और थोड़ा सॉफ्टनेस हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में देख सकते हैं. करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए. Thank you and have a great day ahead.